अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ट्रैवल सीज़न स्टार्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरीज आ रही हैं। मैं क्योंकि टूर भी लेके जाता हूँ और 3-4 स्लॉट्स तो मेरी बुक हो भी गई हैं और उन्हीं डेट्स की मुझे क्वेरीज बार बार आना शुरू हो गई हैं, तो उनसे मैं माजरत भी कर रहा हूँ कि मेरा ये टूर बुक हो गया है और मैं खुद जा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रैवल रिलेटेड क्वेरीज़ को लेके कि हम लोग कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, कैसे क्या सीन होगा और कहाँ पे हमें क्या चीज़ मिलेगी। आज मैं लेकिन बात करूँगा पाकिस्तान की बिगेस्ट डेस्टिनेशंस की, कलाम की और नारान की। समर की बात करें तो टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान के सबसे बड़े ये दो रीजन हैं, नारान और कलाम। तो आज हम बात करेंगे एक्सेसिबिलिटी, किस रीजन में जाना ज़्यादा एक्सेसिबल है, किसका रूट ज़्यादा अच्छा है। लैंड डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि कहाँ हमें झीलें मिलती हैं, लेक्स मिलती हैं, मेडोज़ मिलते हैं और प्लेन्स मिलते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे होटल की, बाज़ारों की, फैसिलिटीज़ की, बजट फ्रेंडली कौन सा इलाका है, फैमिली के साथ कहाँ जा सकते हैं, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए। तो इस सारे एपिसोड में हम इन चीज़ों को वन बाय वन करके देखेंगे और साथ में आपको उसकी सिचुएशन भी बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर आप नारान गए हुए हैं और कलाम नहीं गए हुए तो ऑब्वियसली आपको कलाम जाना चाहिए, और अगर आप कलाम गए हुए हैं और नारान नहीं गए हुए तो फिर आपको नारान जाना चाहिए। और अगर आप दोनों जगहों पे गए हुए हैं तो ये फिर एपिसोड आप देख लें, फिर भी देख लें, कुछ हो सकता है कोई नई बात पता चल जाए आपको। जी, तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी की बात आती है आपके टूर को लेके कि आप जहाँ जा रहे हैं उस वहाँ पहुँचना आसान है कि मुश्किल है। तो अगर हम तो नारान कलाम दोनों को मोटरवे मिल चुका है। अगर आप नारान जाते हैं तो आपको हज़ारा एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करके आप बालाकोट पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप जब सवात जाते हैं तो चकदरा तक आप मोटरवे पे चले जाते हैं, तो आगे भी सड़क बहुत अच्छी है। तो इस लिहाज से तो दोनों सड़कें, दोनों एक्सेसिबिलिटी जो उनके नंबर बराबर हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो फ्लड आया था कलाम में, बहरीन बाज़ार थोड़ा ख़राब हो गया वो एरिया। उसके अलावा कलाम से पहले बुढ़ई कमर और चमगड़ी के जो इलाके थे वो ज़रा डिस्टर्ब हुए थे, मैंने आपको वो दिखाए भी थे। सैलाब के फ़ौरन बाद में वहाँ पहुँचा था और उसमें मैंने आपको करंट सिचुएशन बता दी थी। लेकिन अभी वो सारा एरिया ऑपरेशनल कर दिया गया है और अभी जो मैं ये एपिसोड है मैं अपडेट ले के कर रहा हूँ, आप अपनी कार पर कलाम जा सकते हैं। कुछ जगहों पर आपको स्लो होना पड़ता है, सड़क ख़राब है, लेकिन वो 4x4 पर बात नहीं आती, आप अपनी कार ले के कलाम पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम नारान की बात करें, नारान में जब आप पारस क्रॉस करते हैं तो डैम आ जाता है, सुखी किनारी डैम। पिछले 4 साल से वो बन रहा है, बल्कि 5 साल से, और वहाँ पे आपकी ट्रैफिक थोड़ी स्लो हो जाती है, आपने 10-20 की स्पीड पर गाड़ी चलानी होती है। और फिर जब आप राजवाल से बाहर निकलते हैं वहाँ पे भी डैम की आउट आती है, तो इस एरिए में आपको स्लो चलना पड़ता है। तो कलाम पहुँचना और नारान पहुँचना, यहाँ तक मैं इनको दूंगा नंबर पूरे, 50% ही नारान के हैं, 50% ही कलाम के हैं। लेकिन जब आप कलाम पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी पर, उसके बाद आपने वहाँ पे जितनी भी जगह फिरनी है वो सारी 4x4 है, वहाँ पे आप अपनी कार पे नहीं जा सकते। अपनी कार आपने होटल की पार्किंग में लगा देनी है। नारान में ऐसा नहीं है, नारान में आप बाबूसर टॉप तक जा सकते हैं, लुलूसर लेक आएगी, बेसल आएगा, बटाकुंडी आएगी, छोटी छोटी आबशारे आएंगी, ये सारी जगह आप अपनी कार पर कवर कर सकते हैं। नारान और कलाम जाने के हवाले से जो रोड की एक्सेसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारा एक्सप्रेसवे के ऊपर भी मैं एक पूरा शोहरा या फाक वीलॉग बना चुका हूँ, और सवात एक्सप्रेसवे के ऊपर भी, और अगर आप चाहें तो उनको जाके देख सकते हैं, लेकिन इस एपिसोड को पहले देख लें, उसके बाद चल जाना। तो नारान कलाम पहुँचने तक आपके नंबर बराबर हैं, लेकिन कलाम पहुँचने के बाद नारान के नंबर बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा एक्सेसिबिलिटी में हम अगर बात करें तो नारान के नंबर ज़्यादा हैं, और आलमोस्ट इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इस्लामाबाद से तकरीबन सेम है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप लैंड डाइवर्सिटी को भी देख लें, कुदरती हुसन तो आपने देखना ही होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप लैंड डाइवर्सिटी को भी मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर लें। तो इस टॉपिक की हम बात करते हैं, तो नारान को पहले लेते हैं। नारान में आपको सैफुल मलूक झील मिलती है जो कि 13 किलोमीटर दूर है, 50 मिनट आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके अलावा बाबूसा टॉप भी मिल जाता है आपको, टॉप भी मिल गया, झील भी मिल गई। और नारान में एज सच ना कोई आबशार नहीं है, और लेकिन वहाँ पे पाई मेडो है, उसके लिए भी जीप ट्रैक है। लेक, मेडो, टॉप और एक खूबसूरत किस्म की सड़क नारान बाज़ार, ये आपको बड़े ही बेहतरीन और सीनिक व्यूज़ मिलते हैं यहाँ पे। नारान बाज़ार की वाइब भी डिफरेंट है। इसी तरह हम कलाम की बात करें तो कलाम में आपको लेक्स भी मिलती हैं, टॉप उस तरह से एज सच नहीं मिलता, लेकिन आपको झीलों की बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है। पाकिस्तान में अगर कोई लिटरली जेन्युइन कोई लैंड ऑफ लेक्स है ना, तो वो है सवात रीजन। यहाँ पे कहा जाता है कि 70 के करीब झीलें हैं। वो अलहदा बात है कि वो उनमें से काफ़ी ज़्यादा वो हैं जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर पर जा सकते हैं या 3-3 दिन के ट्रैक होते हैं, लेकिन जो हम फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो सबसे मशहूर लेक वहाँ पर है जी महुडन। महुडन लेक है, और महुडन लेक पे जब आप जाते हैं तो ये 3 घंटे की राइड है जीप। यहाँ पे आपको रास्ते में एक बहुत बड़ी आबशार भी मिल जाती है, और रास्ते में आप एक जंगल भी क्रॉस करते हैं, और इसके अलावा आप ओशू की वैली से गुजरते हैं, और रास्ते में एक और बड़ी खूबसूरत वैली आती है मटलतान, वहाँ से गुजरते हैं, और फलक शेर पहाड़ है उसको देखते हुए गुजरते हैं। तो हर जगह की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कलाम में मेडो कोई नहीं है उस तरह से ऐसा जैसे पाए मेडो है। नारान के नंबर इस जगह से आके बढ़ जाते हैं, लेकिन कलाम के नंबर इस तरह से बराबर हो जाते हैं कि वहाँ पे आबशार बहुत बड़ी है, मटलतान आबशार बहुत बड़ी है, आसमानों से लगता है जैसे गिर रही है। तो लैंड डाइवर्सिटी के हवाले से भी आप इन दोनों जगहों को कंसीडर कर सकते हैं। आगे आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपने मेडो देखना है या वाटरफॉल देखनी है, यही दो चीज़ों का डिफरेंस है। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात आ जाती है आपकी अकोमोडेशन की। आप जब फैमिली के साथ जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आपको अच्छा और मुनासिब मिल जाए वहाँ पे अकोमोडेशन। अगर आप लग्जरी बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो जो 5-स्टार स्टेज हैं, एग्जैक्टिव स्टेज हैं, वो आपको मिलेंगे नारान में। नारान में सराय है, वहाँ पर मेजोनेट होटल्स हैं, इसके अलावा वहाँ पर 8-10 और भी इसी लेवल के और भी होटल्स हैं जो कि आपको कलाम में नहीं मिलते। कलाम में आपको बहुत अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, बहुत अच्छे होटल मिल जाते हैं नाइट स्टे के लिए। अगर हम कलाम अकोमोडेशन की बात करें तो मालम जब्बा में आपको मिलता है पीसी रिसॉर्ट है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, राइट लेफ्ट बेहतरीन किस्म का व्यू मिलता है। लेकिन कोई कलाम शहर की बात करें, ओशो जंगल वगैरह की साइड पर, तो आपको वहाँ पर कोई ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड नहीं मिलता जैसे कि नारान में है। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर 3-स्टार और 4-स्टार यू कैन से स्टेज मिल जाते हैं। वहाँ पर रूमी है, वहाँ पर खलीज होटल है, मारिया रिजॉर्ट है वहाँ पे। इसके अलावा जो कलाम के होटल हैं उनकी लोकेशन बड़ी अच्छी हैं, वो जंगल में बने हुए हैं, व्यू पॉइंट के साथ बने हुए हैं। तो अगर आपको 5-स्टार नहीं भी मिलती, इंटरनेशनल नहीं भी मिलती, लेकिन उसी लेवल की आपको अच्छी अकोमोडेशन कलाम में मिल जाती है। और वैसे भी नारान जो शहर है वो बसाया जाता है, वो 12 महीने नहीं चलता, 6-7 महीने रहता है, उसके बाद बर्फ़ आ जाती है तो वो शहर बंद हो जाता है, फिर उसको आबाद किया जाता है। जबकि कलाम में ऐसा नहीं है, कलाम आपको 12 महीने मिलता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन दोनों टूर्स की मैं समझता हूँ, वो डिफरेंस आता है आके पाई मेडो का। पाई मेडो इतना खूबसूरत है नारान के टूर में, पाई मेडो से जैसी जगह आपको कलाम में नहीं मिलती।
लेकिन कलाम में प्लस पॉइंट ये है कि आपको पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो स्की रिज़ोर्ट है वो आपको कलाम टूर में मिलता है मालम जब्बा में। मिंगोरा से जब आप जाते हैं मालम जब्बा, तो स्की रिज़ोर्ट के ऊपर भी मैं बर्फ़ में भी और समर में भी दोनों में मैंने एपिसोड्स बनाए हुए हैं, और ऐसा स्की रिज़ोर्ट और इस तरह का व्यू नरान में नहीं है। तो जो नंबर पाए में नरान को मिले थे वो मालम जब्बा की वजह से आपको कलाम में मिल जाता है। और वैसे भी जो मालम जब्बा है वो एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। मैंने पिछले दिनों में एक अपने चैनल पर सर्वे भी करवाया था पिकनिक स्पॉट का फैमिली के, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो मालम जब्बा को ही मिले थे। दूसरी अहम तरीन बात हम करते हैं रिवर की। नरान टूर में दरिया कुनहार आपके साथ होता है, और जबकि कलाम टूर में दरिया सवात आपके साथ होता है। मैंने पिछले दिनों में अपने चैनल पे भी ये एक सर्वे करवाया था, तो सबसे ज़्यादा नंबर है वो दरिया सवात को मिले थे। दरिया सवात बहुत ही डाइवर्स है और बहुत ही तंग भी करता है। अक्सर आपने देखा पिछले साल भी सैलाब आया, आज से 8-10 साल पहले भी बहुत बड़ा सैलाब लेके आया था। खैर, इसमें तो कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी शामिल हैं जिसे मैं कहूँगा, लेकिन जो खूबसूरती आपको दरियाए सवाद देता है ना, वो आपको दरिया कुनहार उस तरह से नहीं देता। एक तो दरिया कुनहार छोटा है, बेसिकली आपके टूर में स्टार्ट होता है लुलूसर लेक से और बालाकोट के पास आके ख़त्म हो जाता है, आप वहाँ से टर्न ले लेते हैं। जबकि दरिया सवात अगर आप जाएँ तो वो कलाम से लेकर आप महुडन की तरफ ट्रैवल करें तो भी उसका एक जो ट्रिब्यूटरी है वो भी आपके साथ रहती है, या अगर आप गुजर घबराल की तरफ ट्रैवल करें तो भी उसका एक पार्ट आपके साथ ही रहता है। तो अपनी सीनिक व्यूज़ और डाइवर्स व्यूज़ के लेके हम दरिया सवात ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर दूसरी हम बात करें कलाम रीजन में हम किन किन जगहों पर जा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले आती है जी महुडन लेक। ये 3 घंटे का ट्रैक है, चीप ट्रैक है। दूसरे नंबर पे हम जा सकते हैं वहाँ पे जो फैमिली पॉइंट है कलाम में रहते हुए, बयून टॉप है, बड़ा ही प्यारी जगह है। इसके ऊपर भी मैं एक वीलॉग बना चुका हूँ। 25 से 30 मिनट लगते हैं बयून टॉप में जाने के लिए, और इतने ही टाइम लगता है 35 से 40 मिनट लगते हैं ब्लू वाटर जाने के लिए। तो ये दो जगहें हो गई दूसरे दिन कवर। तीसरे दिन एक बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है शाही बाग। शाही बाग कुछ अर्सा पहले ही ज़्यादा उसको किया गया डेवलप, तो वहाँ पे फैमिली जाने लग गई हैं, और बड़ी ही खूबसूरत बड़ी ही पीसफुल जगह है। इसका 3.5 घंटे का सफ़र है, और यहाँ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे आप कार पे ना जाइएगा, यहाँ पे आप जाइएगा 4x4 लैंड क्रूज़र पे, आपका 1.5 घंटा बच जाएगा। इसके अलावा दिसान मेडो भी है, लेकिन वो फैमिलीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कंडोल लेक भी है, वो भी फैमिलीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो जो फैमिली पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप बैचलर पार्टी या लड़के शड़के हैं तो फिर आप बिल्कुल जाएं, आप दिसान मेडो का टूर करें। इसके अलावा कुछ वहाँ पर मेडोज़ हैं जहाँ पर पैदल ट्रैकिंग है, हाइकिंग है, दराल लेक है। नए पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो नए पॉइंट्स जो हैं वो कलाम में ज़्यादा हैं। गबीन जब्बा, जहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ था, गबीन जब्बा के पॉड्स हैं वहाँ पे, बड़ी प्यारी जगह है, वहाँ से आप हाइकिंग करके दराल लेक पे भी जा सकते हैं।
इसी तरह हम नारायण की बात करें हाइकिंग के हवाले से, तो सैफुल मलूक से 4 घंटे का आंसू लेक का ट्रैक है, काफ़ी लोग वहाँ पर भी जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इन दोनों वैलीज में सबसे यूनिक पॉइंट की, जो मेरे लिए, जो मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट बताऊँ, तो जो कुनहार रिवर राफ्टिंग है ना, ये चीज़ आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जो रिवर राफ्टिंग वाली फैसिलिटी है वो कलाम में नहीं है, और अगर आपने राफ्टिंग ज़रूर करनी है और आप चाहते हैं कि ये सिलसिला चलना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली नारायण जाना चाहिए। और दूसरी बात हम करते हैं बाज़ार की, तो बाज़ार नारायण का बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत वाइब्रेंट है, सुबह तक जागता है। और वैसे भी ये शहर नहीं है, इसको आबाद किया जाता है, एक आर्टिफिशियल सिटी बनाई जाती है, तो यहाँ पर फिर फैसिलिटीज़ रात गए तक चलती हैं। तो कलाम का बाज़ार रात 1-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें लोकल बहुत ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। तो बाज़ार को लेके भी नारायण के नंबर थोड़े ज़्यादा हैं, रिवर राफ्टिंग को लेके भी थोड़े नंबर ज़्यादा हैं, एक्सेसिबिलिटी को लेके भी थोड़े से नंबर ज़्यादा हैं। मेरा ये कतन मकसद नहीं है कि मैं आपको एक जगह से मुतनफ़र कर दूं, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूं जिनको आप अपने तौर पे, अपनी पसंद नापसंद पे भी फैसला ले सकते हैं। अच्छा, अब फाइनल मैं इसको समअप करूंगा कि अगर मैं अपने पर्सनल टूर की बात करूं, पीस ऑफ माइंड की बात करूं, तो मैं पर्सनली जाना चाहता हूं कलाम, और मैं ज़्यादा गया भी कलाम में हूं, मैंने कलाम वैली को ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया, वहां पे बहुत ज़्यादा झीलें हैं। मैं पिछले 8-10 साल से रेगुलर जा रहा हूं, और अभी भी एक बहुत बड़ा एरिया जो वहां पे मेरा एक्सप्लोर होने वाला रहता है। लेकिन इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज़ की और फैमिलीज़ की, और अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँगा, मुझे फैसिलिटीज़ के ऊपर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो फिर आपको नारायण जाना चाहिए। मैं खुद भी नारायण ही जाता हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ अक्सर साथ होती है, तो मैं नारायण वहाँ पे गया हुआ था। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो बाबूसा टॉप पे भी जाके गा देता है, ये क्या कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो दरिया के पीछे ही अपने मेमोरी कार्ड ख़त्म कर देते हैं तस्वीरें खींच खींच के, तो ये आपका पर्सनल चॉइस भी होती है। लेकिन इन चीज़ों को मैंने आपको फैसिलिटीज़ और मौसम के हवाले से आपको मैंने सारा ही खोल के बता दिया। अब फैसला आपका अपना है, आप जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन एक फैसला आपको ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके साथ आपको कैसा लगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं और आप ट्रैवल कम करते हैं, लेकिन ये दो वैलीज ऐसी हैं, यहाँ दोनों जगहों पर आपको लाजमी जाना चाहिए। वैसे तो इन पूरी वैलीज़ को मैंने समअप भी किया हुआ है एक अपनी कंपाइलेशन की सूरत में, कलाम पर भी मौजूद है और नारायण पर भी मौजूद है, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं, आपको 5 दिन का एक प्रॉपर व्लॉग जो है वो मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट वे में मैं आपको दोनों ट्रिप छोटे छोटे से प्लान करके बता देता हूँ। अगर आप इस्लामाबाद से निकलते हैं, तो पहले दिन आप मिंगोरा में स्टे करने के बाद चले जाएं मालम जब्बा, आपको तकरीबन 6 घंटे लगेंगे मालम जब्बा पहुँचने में। वहाँ पे स्की रिजॉर्ट है, फैमिली के साथ सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, रात आप वहीं पर रुकें या फिज़ाघट में रुक जाएँ वो भी ठीक है, मालम जब्बा में रुक जाएँ वो भी ठीक है। पहले दिन आप फिर लें मालम जब्बा और दूसरे दिन आप पहुँचें कलाम। लेकिन कलाम पहुंचने में आपको रास्ते में बहरीन का बाज़ार मिलेगा, दरिया आपको बहुत खूबसूरत व्यू देगा। अगर आप चाहें तो आप म्यादम भी जा सकते हैं, मदीन से एक सड़क निकलती है 10 किलोमीटर आगे जाती है, वो भी बड़ी प्यारी जगह है, उसको भी चाहे एक्सप्लोर कर लें। मदीन में फ़िश फार्म्स भी हैं, अभी मुझे पता नहीं है सैलाब के बाद वो रहे हैं कि नहीं, लेकिन बड़े खूबसूरत फ़िश फार्म्स हैं, वहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। तो दूसरे दिन आप ये सारी सड़क एक्सप्लोर करते हुए पहुँच जाएँ कलाम, और अपनी शाम गुजारें कलाम जंगल में। खूबसूरत जंगल है, बड़ा यूनिक व्यू देता है कलाम जंगल, वहाँ से देखते हुए आप वापस होटल में आ जाएँ। रात को आप बाज़ार में चहल पहल करें और अगले दिन आप चले जाएं महुडंड। महुडंड लेक जो है वो एक फुल डे एक्टिविटी है, सुबह 8-9 बजे निकल जाएं आप, 3 घंटे का सफ़र है। रास्ते में आप कलाम जंगल देखेंगे, ओशू देखेंगे, मटलतान देखेंगे, और उसमें 1-2 विलेजेस भी आते हैं। वहाँ पे मैं वो फ्लड रिलीफ का सामान भी लेके गया था, मेरे जहन में इस वक्त गाँव का नाम नहीं आ रहा, वो जगह बहुत प्यारी है। और फिर आ जाती है आगे जी महुडंड लेक। महुडंड लेक के साथ ही छोटी सी एक मिनी लेक है, उसको लोग सैफुल्ला लेक कहते हैं, उसी का हिस्सा है। लेकिन उससे आप 6-7 किलोमीटर और आगे आ जाएंगे तो आगे कंडलशाही लेक भी है, जिसको पहले अजमतुल्ला लेक कहा जाता था। तो ये एक फुल डे एक्टिविटी है, इस 3 घंटे के टूर में आप 5-6 चीज़ें देख सकते हैं। ये आपका तीसरा दिन हो गया। चौथे दिन अगर आप वापस आते हैं, आपके साथ फैमिली है, तो आप चले जाएँ ब्लू वाटर और बयून टॉप। ये दोनों जगह बिल्कुल करीब हैं, 1/2 घंटे में आप बयून टॉप पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ग्रीन टॉप है, पूरे कलाम सिटी का व्यू बड़ा अच्छा वहाँ से नज़र आता है, और ब्लू वाटर भी वहाँ से उतर के नीचे करीब ही जगह है एक, वो 40 मिनट लेता है कलाम शहर से। अगर आपके पास एक 5वां दिन मजीद है और आप में ट्रैवल की सख्त है, तो शाही बाग एक बहुत अच्छी जगह है, ये भी 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये लाजमी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करवाने वाली जगह है। गो के वहाँ पर रात रुकने का इंतज़ाम अच्छा नहीं है और रेस्टोरेंट भी उतने मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि जगह अभी नई नई बिल्ट हो रही है इसलिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन ये देखने वाली जगह है, इसको आप लाजमी देखें। बाकी नारायण टूर तो आपको पता ही, आपने कैसे करना है। इस्लामाबाद से निकले, नारायण जाएं, पहले दिन आप सैफुल मलूक फिर लें, दूसरे दिन बाबूसा टॉप के साथ सारी सड़क के साथ कुनहार रिवर राफ्टिंग और सारी एक्टिविटीज़ कर लें, तीसरे दिन वापस आके शोगरा से आप
अगले दिन पाए चले जाएं या उसी दिन पाए चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये टूर है, इसकी डिटेल आपको इंटरनेट से भी मिल जाएंगी। इसके अलावा इनके ऊपर बड़े ही इन डेप्थ जो डिटेल्स हैं वो मैं अपने वीलॉग्स में दे चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी अपनी बात के साथ मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी दिखा रहा होता हूँ और अपना जो मेरा रीसेंट ट्रैवल चल रहा होता है वो उसके ऊपर स्टोरीज़ की सूरत में भी आ रहा होता है। तो जल्द मैं आपसे मिलता हूँ अपने नए वीलॉग में। और अगर आप क्लियात में मौजूद पाकिस्तान का खूबसूरत ग्रीन ट्रैक देखना चाहते हैं, यहाँ फैमिलीज भी जा सकती हैं, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप एबटाबाद शहर के बुलंद तरीन और ठंडे तरीन मुकाम की सैर करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।